आज की इस कक्षा में हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या अंग्रेजी में इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की इस कक्षा में सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण, जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्वों को अंग्रेजी में हम एलिमेंट्स कहते हैं और यौगिकों को हम अंग्रेजी में कंपाउंड्स कहते हैं। मिश्रण का एक उदाहरण यहाँ पर तुम्हें चित्र में दिखाया गया है, वह नमक और पानी के मिश्रण का उदाहरण है। अब हम मिश्रण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला मिश्रण का प्रकार जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सामांगी मिश्रण या विलयन, जिसे अंग्रेजी में हम होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन भी कहते हैं। एक मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है वो मिश्रण सामांगी या होमोजीनियस मिश्रण कहलाता है। इसका एक उदाहरण है चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है। दूसरा प्रकार मिश्रण का है विषमांगी मिश्रण या अंग्रेजी में हिटरोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। इसका उदाहरण जैसे चित्र में आप देख सकते हैं वह तेल और पानी का उदाहरण है। यहाँ पर ये ऊपरी सतह तेल की है और ये नीचे वाली सतह पानी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिश्रण की बनावट समान नहीं है। ऐसा मिश्रण विमांगी या हेट्रोजीनियस कहलाता है। अब हम देखेंगे कि विलयन या अंग्रेजी में सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, एक तो विलायक या सॉल्वेंट होता है और दूसरा विलेय या सॉल्यूट होता है। हर बार विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है और उसमें विलेय या सॉल्यूट घुला हुआ होता है। विलेय या सॉल्यूट हर बार कम मात्रा में होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर या 10^-9 मीटर से भी छोटे होते हैं। इसके कारण हम हमारी आंखों से इन्हें देख नहीं सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं हमें दिखाई नहीं देता। यह तुम्हें इस चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर प्रकाश की किरण को विलयन द्वारा भेजा गया है, पर यहाँ पर प्रकाश का रास्ता या मार्ग तुम बता नहीं सकते। छन्ने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। अब हम विलयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विलयन की सांद्रता को हम दो रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। पहला, विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा या विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को निकालने के दो और प्रकार हैं। पहला, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, उसे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन पदार्थ का द्रव्यमान × 100। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, इसे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन × 100। अब हम इस पे एक उदाहरण देखेंगे। एक विलयन के 320 विलायक जल है। जल में 40 ग्राम साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट विलेय है। विलयन का सांद्रता का परिकलन करें। अब हम इस सवाल का उत्तर देखेंगे। यहाँ पर जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होगा। दैट इज 40 + 320 ग्राम्स इज इक्वल टू 360
360 ग्राम या 360 ग्राम। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का यह तरीका होता है। तो यहां पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम है और विलयन का द्रव्यमान 360 ग्राम है। तो द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत इस प्रकार का कुछ होगा, 40 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, उससे हमें 11.1% आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे कि निलंबन या सस्पेंशन क्या होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण या एक हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे छान छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। इसका उदाहरण है जो तुम्हें चित्र में दिखाया गया है, ऐसा कुछ। मतलब जैसे जब मैंने इसमें जो निलंबन था उसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो जो सारे विलय के जो कण थे वो नीचे आकर बैठ गए। अब हम कोलाइडल विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है, यानी कि एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्येक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। यह इतने बड़े होते हैं कि यह प्रकाश को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात यह स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से प्रत्येक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विषय अपक्षेपीकरण तकनीक द्वारा प्रतीक किए जा सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की कुछ उदाहरण है। पहले तो जो जिसपे हम दीवार को रंगते हैं, यानी कि हमारे पेंट्स। दूसरा उदाहरण है मक्खन। अब हम टिंडल इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोलाइड विलयन एक थन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। यह प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक विलयन है और यह एक कोलाइडल विलयन है। यहां पर हमें प्रकाश की दिशा नहीं दिखाई दे रही, पर यहां पर क्योंकि यह कोलाइड विलयन है, यहां पर हमें प्रकाश की दिशा इस प्रकार कुछ दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार होते हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों यानी कि एलिमेंट्स या यौगिकों यानी कि कंपाउंड्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु यानी कि मेटल्स, दूसरा अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, और तीसरा उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। अब हम धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु नीचे लिखे गए सभी या कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये चमकीली होते हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होते हैं, ये तन्य होते हैं, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। इसके उदाहरण है लोहा या आयरन और सोडियम। यहां पर तुम्हें चित्र में धातु के उदाहरण दिखाए गए हैं। अब हम अधातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधातु नीचे लिखे गए सभी या कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ये ताप और विद्युत
एक कुचालक होते हैं। ये चमकीली व प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होते। इनका उदाहरण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहां पर चित्र में तुम्हें कार्बन का चित्र दिखाया गया है। अब हम यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यौगिक यह दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने होते हैं। इसका एक उदाहरण है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। मुझे शांति पूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।